नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते का हेल्दी ऑप्शन। स्टीम करके बना रही हूँ मैं इसको, और आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें। नई रेसिपी है मेरी और मैंने कहीं भी नहीं खाई और मैंने बनाई है ये, तो आप मेरा वीडियो देख के और ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए लौकी कोफ्तों की रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो लौकी, जिसको मैंने छील के कद्दूकस कर लिया। ये देखिए कद्दूकस कर लिया इसको, और उसमें मैंने आधा चम्मच मिर्च और एक चम्मच नमक डाल के रख दिया था 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो पानी छोड़ दिया है अब इसने। अब इसमें मैं बेसन डालूँगी। तो ये बेसन है, बेसन जितना इसे मर्ज हो उतना ही लेना है हमें। इसे मिला लेना है और देखना है कि कितना इसे मर्ज होगा। ये देखिए बेसन मैंने मिक्स कर लिया है। इस कटोरी के नाप से कटोरा मैंने बेसन लिया था, और आधा किलो लौकी जो मैंने कद्दूकस कर ली, नमक मिर्च डाल दिया इसमें, और इसमें मैंने बेसन मिला दिया है। तो ये देखिए बेसन को हल्के हाथों से फेंट लें आप, ताकि जो इसकी हम पकौड़े बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, वो लाइट बने, फ्लफी बने और खाने में सॉफ्ट हों। तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं कोफ्ते की लिए बैटर। ये देखिए ये टेक्सचर होना चाहिए बैटर का। और इसके लिए सामग्री मैंने और ले ली है, प्याज ले ली है मैंने, 2 बड़े प्याज बारीक काट के, और ये मैंने 3 बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है, और इसमें मैंने डाल लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच, क्योंकि इस बैटर में भी नमक पड़ा हुआ है, आधा चम्मच नमक, और मसाले डाल के धनिया, मिर्च, नमक और गरम मसाला डाल के इसकी प्यूरी बना ली है। और इसको अब मैं इसमें डालूँगी, और ये प्याज, और मैंने ले लिया है करी पत्ता, इसको बारीक काट लिया मैंने, और ये मैंने बैटर तैयार कर लिया था। तो अब चलती हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए गैस स्टार्ट कर दी मैंने, और इसमें मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है। ये 3 बड़े गिलास पानी है ये मैंने ले लिया, इसको बॉईल करने रख दिया था मैंने। तो ये बॉईल हो रहा पानी, और इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं हेल्दी तरीके से बनाने जा रही हूँ। डीप फ्राई करते हैं अक्सर लौकी कोफ्ते को, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ और इसका हेल्दी ऑप्शन लेके आई हूँ, और इसको स्टीम करके बनाना है। तो इसके ऊपर दूध की जाली रख दी है मैंने, और अब इसकी बढ़िया तोड़ूंगी मैं। ये देखिए स्टीम निकल रही है, पानी बॉयल हो रहा है उसमें स्टीम निकल रही है, दूध की जाली मैंने रख दी है। अब इसमें मैं छोटे छोटे कोफ्ते, आपका जो साइज आप ठीक समझते हो उस कोफ्ते का तोड़ दें आप। इसमें जैसे बढ़िया तोड़ते हैं सेम उसी तरीके से। ऐसे सारे कोफ्ते तोड़ के और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरे कोफ्ते मैंने दूध की जाली के ऊपर तोड़ दिए छोटे छोटे बड़ियों की तरह। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढकूंगी। ये देखिए मैंने ढक दिया, 5 मिनट बाद इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कोफ्ते स्टीम होके तैयार हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये,
ये देखिए अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। रेडी है ये, और जो बचे हुए हैं दूसरे उनको तैयार करती हूँ मैं, तो आपको दिखाती हूँ मैं निकाल के। ये देखिए पूरे मैंने तैयार कर लिए। जो कोफ्ते बनाए थे मैंने स्टीम करके रेडी है मेरे। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिए और तेल डाल लिया इसमें एक बड़ा चम्मच। अब इसको डीप फ्राई होते हैं वो मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, बिल्कुल हल्का सा तेल डाल के और इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें आधा चम्मच ये मैं क्यूमिन सीड्स डालूँगी और क्यूमिन सीड क्रैकल हो जाने के बाद और इसमें मैं डालूँगी ये जो कोफ्ते मैंने तैयार किए थे स्टीम करके, ये इनको हल्का सा फ्राई कर दूँगी। तो ये इस तरह डीप फ्राई नहीं होंगे और बहुत ही हल्के तेल में इसको फ्राई भी मैं इसलिए कर रही हूँ, ये थोड़े से स्टिकी होते हैं स्टीम और ये चिपके ना आपस में, तो थोड़ा सा ऐसा करने से ये सेपरेट हो जाएंगे और जब मैं इसको मसाला बना के मसाले में डालूँगी तो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। तो आपको फ्राई करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए फ्राई हो गए बहुत अच्छे से, इसके बाद ये स्टिकी नहीं रहेंगे और सब्जी बनाऊंगी मैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये मर्ज हो जाएंगे मसाले और ग्रेवी में। तो इस तरह स्टीम करके मैंने इसको थोड़े से तेल में फ्राई किया है और हेल्दी ऑप्शन है ये, इसलिए ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अब इसका मसाला बना के आपको दिखाती हूँ, मसाला बनाना तैयार करती हूँ मैं मसाला। जिस कढ़ाई में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा चढ़ा दिया है और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया मैंने और अब इसमें मैं डालूँगी जीरा, क्यूमिन सीड्स, सिनेमन, तेज पत्ता, बेली और अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी मैं। देखिए प्याज का कच्चापन चला गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है, ट्रांसल्यूशन हो गई है प्याज। अब इसमें मैं इस स्टेज पर डालूंगी हींग आधा चम्मच, करी लीव्स जो मैंने बारीक काट के रखी थी और डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं इसको। देखिए हल्का सा मैंने भून लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट को और अब मैंने जो प्यूरी बना के रखी थी 3 बड़े टमाटर की सारे मसाले डाल के वो डालूंगी मैं इसमें और इसको भी अच्छे से भून लूंगी मैं बहुत अच्छे तरीके से। और अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी पूरा मसाला और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तेल छोड़ने तक मुझे इसको फ्राई करना है। ये देखिए रिवर्स मसाला फ्राई हो गया है और मसाले ने तेल छोड़ दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट फ्राई है ये और
अब इसमें मैंने जो कोफ्ते ये अब इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी एक चम्मच घर का बनाया हुआ है और इसको थोड़ा सा और भून लूंगी मैं। और इसमें डालूंगी गरम करके पानी रखा था मैंने जो स्टीम किया था जिससे कोफ्ते में जो स्टीम लगी थी वो पानी मेरे पास है तो मैं अपने जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैंने ये पानी डाल दिया है। तरी आप अपने हिसाब से ले लें, आपको ज़्यादा खानी है तरी कम खानी है ग्रेवी रखनी है आप पे डिपेंड है। तो ये पानी मैंने डाल दिया और ये उबलेगा पानी तब उसमें मैं वो जो कोफ्ते फ्राई करके रखे वो डालूँगी तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो गई है, गाढ़ी भी है और सफिशिएंट है। और अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी जो मैंने रेडी करके रखे हैं ये वाले स्टीम करके और फ्राई करके रखे ये मैं सारे कोफ्ते इसमें डालूँगी और इसको भी 3-4 मिनट बॉईल करूँगी मैं और बॉईल करके सब्जी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कोफ्ते की सब्जी बनके तैयार है, रंग देखिए कितनी अच्छी आई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। तो आप इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर करिए, मेरा पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके बनाएं। तो लौकी कोफ्ते का जैसे कि मैंने पहले भी कहा लौकी कोफ्ते का हेल्दी ऑप्शन है, ये डीप फ्राई होने पे ऑयल ज़्यादा ऑयली हो जाता है, सब्जी ऑयली बनती है, इसलिए मैंने ये हेल्दी ऑप्शन बनाया है। और ये वीडियो शूट करके और चैनल पे डालना है मुझको, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दें, आप लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अब इसकी मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्लेटिंग कर दी है मैंने, आज मैंने लौकी के कोफ्ते स्टीम करके बनाए हैं और उसकी मैंने प्लेटिंग कर दी है। आप भी मेरा पूरा वीडियो फॉलो करें और बना कर देखें कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कैसी लगी। तो अगली रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।